दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि पराली जलने की वजह से दिल्ली में 10 अक्टूबर से प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। हालांकि पंजाब और हरियाणा में हुई बारिश की वजह से फिलहाल धुआं कम हुआ है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश को नहीं माना जा रहा है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि वो बीते दिनों एक्सपर्ट से मिले हैं, पराली से सीएनजी बनाया जा सकता है, तो करनाल में एक प्रोजेक्ट का फाउंडेशन रखा गया है। इस दौरान उन्होंने पंजाब और हरियाणा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों सरकारें इससे प्रमोट नहीं करना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि पराली से जितनी सीएनजी वहां से निकलेगी उसे दिल्ली सरकार खरीदेगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में कई लोगों से वो मिले। पंजाब में कुछ ऐसी फैक्ट्रियां लगाई गई हैं जो पराली से कोयला बना रही हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार इसको क्यों प्रमोट नहीं कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जरूरत पड़ी तो दिल्ली में ऑड इवन को बढ़ाया जा सकता है। आप लोग देख रहे हैं कि दिल्ली का अपना पोल्यूशन, मैं आपको पिक्चर्स दिखा दूंगा। 10 अक्टूबर तक, आप सब लोगों के लिए भी जानकारी के लिए बता दूं, 10 अक्टूबर तक दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स सेटिस्फैक्टरी कैटेगरी में था और 10 अक्टूबर तक नासा सैटेलाइट की इमेजेस दिखाती हैं कि कोई पराली नहीं जल रही थी। 10 अक्टूबर से अचानक पराली जलने लगी, सैटेलाइट की इमेजेस के अंदर सारा रेड पोर्शन आ रहा है और 10 अक्टूबर से दिल्ली का पोल्यूशन जो है वो सीवियर कैटेगरी, इमरजेंसी कैटेगरी में पहुंच गया। ऑड इवन को आप एक्सटेंड करने का सोच रहे हैं क्योंकि आज सीवियर है, कल इमरजेंसी में जाने के चांसेस हैं। जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, बट लेट्स एक डे टू डे देखो।